अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक मंडे मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के क्रियान्वयन सहित जिला में विभिन्न विभागों के माध्यम से जारी कार्यों व तय लक्ष्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के क्रियान्वयन सहित जिला में विभिन्न विभागों के माध्यम से जारी कार्यों व तय लक्ष्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। रतन गौतम ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जिला में किराए के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची तैयार की जा रही है। शीघ्र ही ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित कर ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से इनके लिए भवन निर्मित किए जाएंगे। उन्होंने एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि इसके लिए भूमि की उपलब्धता इत्यादि के बारे में ब्यौरा शीघ्र प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से नशा निवारण केंद्रों की स्थापना पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नदियों व खड्डों की ओर बने अनाधिकृत सड़क मार्गों को बंद करने के लिए खनन विभाग सहित अन्य सभी संबंधित विभाग नियमित व एकजुट कार्रवाई करें। बैठक में बताया गया कि हाल ही में जिला प्रशासन के निर्देशों के उपरांत कुना व सुक्करखड्ड के लिए विभिन्न स्थानों पर बने ऐसे दो दो सड़क मार्गों तथा नादौन के समीप ब्यास नदी की ओर बने तीन मार्गों को खनन विभाग द्वारा बंद करवाया गया है। उन्होंने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग व आदेशक गृह रक्षक वाहिनी से आग्रह किया कि शहर में आवश्यकता के अनुसार फायर हाइड्रेंट स्थापित करने के लिए प्राक्कलन तैयार कर आगामी कार्रवाई समय रहते पूर्ण कर लें। बैठक में बताया गया कि जिला में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 12 जुलाई 2019 तक 8000 से अधिक किसानों का पंजीकरण किया गया है और इस अवधि में लगभग 1100 संशोधन भी किए गए। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लाभार्थियों को चिन्हित करने का कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित बनाया जाए। इसके अतिरिक्त जिला में पौधारोपण जल संग्रहण सहित लोक निर्माण विभाग नगर परिषद पुलिस स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में उपमंडलाधिकारी डॉक्टर चरणजी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।